नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम, मेरा एक्सेलेंट मेडिसिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में जिस डिजीज या रोग के बारे में आपको जानकारी देंगे, वो डिजीज के वजह से यंग या युवा से लेकर ओल्ड एज बूढ़ा तक सभी को परेशानी में डालने वाला बीमारी है, और बीमारी का नाम है गाउट या गोठिया रोग। हाँ दोस्तों, ये जो गाउट या गोठिया रोग है, इसका जो मूल मुख्य वजह है वो ब्लड में, खून में यूरिक एसिड और उसके साथ साथ दूसरे जो सॉल्ट है जो हानिकारक होता है उसका परिमाण बढ़ जाने की वजह से होता है, और इसके वजह से किडनी में क्रिस्टल्स जमने लगता है, और जो क्रिस्टल्स फ्यूचर में किडनी स्टोन या पथरी का रूप ले लेता है, किडनी डैमेज तक हो सकता है। दोस्तों, ये गाउट या गोठिया के वजह से हमारा जो ज्वाइंट है, जो अस्थि संधि है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, सूजन होता है, और उन ज्वाइंट या अस्थि संधि में तेज दर्द पैदा होता है, जो पीड़ा सहन कर पाना नामुमकिन सा होता है, जिसके वजह से जिंदगी का सुख चैन छिन जाता है, जिंदगी नर्क सा बन जाता है। इसीलिए ये गाउट या गोठिया से छुटकारा पाने के लिए, इनसे होने वाला जो परेशानी है उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको एक अच्छा मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे, जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से ये गाउट या गठिया से आपको आसानी से छुटकारा मिलेगा, आपको परेशानी कम करने में मदद करेगा ये मेडिसिन। दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर समय से ये गाउट या गठिया का ट्रीटमेंट ना किया जाए, ब्लड में खून में बढ़ने वाला जो यूरिक एसिड और दूसरे हानिकारक सॉल्ट है उसको नियंत्रित ना किया जाए, उसके परिमाण को कम ना किया जाए, तो ये ऐसे बीमार पैदा करता है जो कभी भी ठीक नहीं होता है, जिंदगी भर ये आपको परेशान करता है। इसीलिए समय पर इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये गाउट या गोठिया ठीक करने वाला मेडिसिन के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में जिस मेडिसिन या दवा के बारे में आपको जानकारी देंगे, सबसे पहले मेडिसिन का नाम और मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ ही साथ मेडिसिन के बेनिफिट्स या फायदे के बारे में आपको बताएंगे, उसके साथ साथ मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, इसके अलावा मेडिसिन के डोज कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, इसके अलावा मेडिसिन के MRP या कीमत के बारे में आपको जानकारी देंगे, और सबसे आखिर में मेडिसिन कहाँ पर उपलब्ध होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये गाउट या गठिया को ठीक करने के लिए, इससे होने वाला परेशानी से छुटकारा पाने के लिए, सबसे पहले ब्लड में जो यूरिक एसिड और हानिकारक सॉल्ट पैदा होता है बढ़ने लगता है, जिसके वजह से किडनी में क्रिस्टल्स जमने लगता है, क्रिस्टल डिपोजिट होने लगता है, सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक नेचुरल हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हिमालय फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का मेडिसिन है, जिसका नाम है सिस्टन सिरप। हाँ दोस्तों, ये हिमालय फार्मेसी का सिस्टन सिरप, ये ब्लड में जमने वाला यूरिक एसिड और दूसरा हानिकारक सॉल्ट से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, ये किडनी में जमने वाला डिपोजिट होने वाला जो क्रिस्टल से जो आगे जाके किडनी स्टोन या पथरी पैदा करता है उससे आपको छुटकारा दिलाएगा, किडनी को प्यूरिफाइड बनाने में आपको मदद करेगा, आपका किडनी के लॉन्जिविटी को बढ़ाने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए आपको मदद करता है ये सिस्टन सिरप। दोस्तों, ये हिमालय का सिस्टन सिरप किडनी हेल्थ या स्वस्थ ठीक रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने से किडनी के अंदर जमा हुआ क्रिस्टल्स और स्टोन या पथरी को बाहर निकालने में मदद करता है, जिसके वजह से आपका ये गाउट या गठिया से आराम मिलता है, जो आपका जॉइंट में जो क्रिस्टल जम जाता है वो हट जाने के वजह से वहां पर जो इन्फ्लेमेशन या सूजन होता है वो कम होने लगता है, और जिसके वजह से वो दर्द या पीड़ा से भी आपको आराम मिलने लगता है, आपका जिंदगी नॉर्मल होने लगता है। दोस्तों, इस मेडिसिन के अंदर छोटे कैलड्रप्स और पाषाण भेद मिलाया गया है, जो किडनी के लिए एक अच्छा दवा है, अच्छा मेडिसिन है, एक अच्छे हर्ब माने जाते हैं।
इसीलिए दोस्तों ये गाउट या गोठिया से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हिमालय फार्मेसी का ये सिस्टम सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये हर रोज दो बार सवेरे खाना खाने के बाद 10 ml या 10 ml और रात में खाना खाने के बाद 10 ml या 10 ml अब लगातार इसका इस्तेमाल करते रहिएगा जब तक आपका ये यूरिक एसिड नॉर्मल ना हो जाए, आपका गाउट या गोठिया से आपको छुटकारा ना मिल जाए तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेद का वरदान है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डोज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बताया गया डोज के हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ये हिमालय सिस्टम सिरप MRP या कीमत के बारे में। दोस्तों ये एक बोतल में 200 ml सिरप आता है जिसका MRP या कीमत है 190 rupees ओनली। दोस्तों हिमालय सिस्टम सिरप के साथ साथ ये गोठिया का जो तेज दर्द या पीड़ा होता है उनसे छुटकारा पाने के लिए एक अच्छा सा दर्द निवारक या पेन किलर टैबलेट का जरूरत होता है। वो पेन किलर दर्द निवारक गोली अगर आयुर्वेद का हो, नेचुरल हो, तो उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है, उनका इस्तेमाल करने से आपको फायदा मिलता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों ये गाउट या गोठिया का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उनसे छुटकारा पाने के लिए हिमालय फार्मेसी का रुमालय फोर्ट टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये रुमालय फोर्ट एक नेचुरल हर्बल पेन किलर या दर्द निवारक गोली है, इनका इस्तेमाल करने से ये गाउट या गोठिया से होने वाला तेज दर्द से छुटकारा मिलता है, साथ ही साथ सूजन को कम करने में मदद करता है। दोस्तों ये रुमालय फोर्ट टैबलेट का इस्तेमाल करने से गाउट या गोठिया का दर्द के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से भी ये छुटकारा दिलाने में मदद करता है, सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से भी छुटकारा दिलाने में भी ये मदद करता है, एर्थ्रालजिया और फ्रोजन शोल्डर के कारण होने वाला जो दर्द है उनसे भी छुटकारा दिलाने में भी ये दवाई मदद करता है। दोस्तों ये रुमालय फोर्ट टैबलेट का अंदर जो हर्ब मिलाया गया है जिसके वजह से दर्द से छुटकारा मिलता है, सूजन से छुटकारा मिलता है, उन हर्ब का नाम है गोक्षुरा, गुडुची, सालाकी, गुगुलू, रसना और चोष्टिमद। इन सब वैल्युएबल हर्ब के सहयोग से बनाया गया ये हिमालय फार्मेसी का रुमालय फोर्ट टैबलेट आप गाउट या गोठिया से छुटकारा पाने के लिए, उसका दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और दोस्तों ये जो रुमालय फोर्ट टैबलेट है ये हर्बल मेडिसिन होने के वजह से, नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया मेडिसिन होने के वजह से इसका इस्तेमाल करने से आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा बताए गए डोज से ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं हो, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों ये जो रुमालय फोर्ट टैबलेट है ये एक स्ट्रिप में 30 tablets या 30 gholi आता है जिसका MRP या कीमत होता है 180 rupees ओनली। दोस्तों इसके साथ साथ सिप्ला फार्मेसी का मेडिसिन है और मेडिसिन का नाम है जायरिक 100 mg टैबलेट। दोस्तों ये जायरिक 100 mg टैबलेट एक सिंगल कंपोजिशन वाला मेडिसिन है, इसका जो कंपोजिशन जो सॉल्ट के सहयोग से बनाया गया है उसका नाम है एलोपुरिनॉल। दोस्तों ये आपका ब्लड में, खून में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है और साथ ही साथ जो गाउट या गोठिया में जो क्रिस्टल्स जमा हो जाता है जिसके वजह से सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, वहां पर जमा हुआ क्रिस्टल को हटाने के लिए ये मेडिसिन मदद करता है। तो दोस्तों ये जायरिक 100 mg मेडिसिन हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इससे पेट से जुड़ा हुआ समस्या पैदा हो सकता है। दोस्तों ये दवाई आप सुबह शाम दिन में दो वक्त खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट पर्सेंट है, आपका बॉडी वेट 70 से ज्यादा है, तो आप 200 mg का एक गोली सवेरे और 200 mg का एक गोली रात में खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें तो कुछ ही दिनों में आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो नॉर्मल होने लगेगा और साथ ही साथ आपका ये गाउट या गोठिया से भी आराम मिलने लगेगा।
इसके वजह से होने वाला जो ज्वाइंट स्वेलिंग है, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन होता है और जिसके वजह से ज्वाइंट में रेडनेस होता है और जहां पर तेज दर्द और पीड़ा होता है उनसे भी आपको आराम मिलने लगेगा। दोस्तों ये सिप्ला फार्मेसी का जो जायरिक 100 मिलीग्राम टैबलेट है, ये एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट या 10 गोली आता है। इसका जो MRP है वो सिर्फ 20 रुपीज या 20 रुपया है। दोस्तों ये एलोपैथी का मेडिसिन है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट होता है। इससे होने वाला कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो नौसिया, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, पेट में होने वाला गैस, एसिडिटी, अपच, ये सब आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद ये सब परेशानी अपने आप होने लगता है। किसी किसी को अपने आप ये परेशानी से छुटकारा नहीं मिलता है, परेशानी लंबे वक्त तक कंटिन्यू रहता है, तो उन पेशेंट के लिए ये मेडिसिन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो जायरिक 100 मिलीग्राम का टैबलेट है, जो पहले से हार्ट पेशेंट है, हृदय रोग से पीड़ित है या लिवर डिजीज से पीड़ित है या दूसरे कोई भी पुराना रोग से पीड़ित है, उन पेशेंट के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन के वजह से उसका हेल्थ या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये गाउट या गोठिया जो यूरिक एसिड के वजह से पैदा होने वाला डिजीज, इस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ आप सुबह शाम दो वक्त एक गिलास पानी के अंदर आधा लेम्बू का रस निचोड़ के पीते हैं तो इससे भी आपको फायदा मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा प्रोटीन खाना बंद करना चाहिए, ज्यादा स्पाइसी जंक फूड बंद करना चाहिए, ज्यादा ऑयली फ्राइड चीज खाना बंद करना चाहिए, ज्यादा नशीला चीज का इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपको गाउट या गोठिया से आराम मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको बताया है वो सब जाने माने फेमस कंपनी का मेडिसिन है, इसलिए आपका नजदीक का हर एक मेडिकल स्टोर या दवा के दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाता है ये मेडिसिन। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी एक्टिव कर दीजिएगा, मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जॉय हियर।